तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए हर भाषा सीखनी है, हर भाषा हमारे लिए पूजनीय है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भाषा का कोई सीमा नहीं होती है और कलाकारी का कोई भाषा नहीं होता। हम हर भाषा के हैं और हम संगीत को जानते हैं, तो संगीत की देखा जाए तो पाकिस्तान में भी चलता है। तो इस धरती के जितने भी, अगर ये संगीत नहीं बना होता तो शायद हमारे जीवन नहीं होती, क्योंकि एक संगीत ही ऐसा चीज़ है जिसको सुन के हम अगर कितने भी दुखी हो तो अपने आप को थोड़ा सा आनंदित कर लेते हैं। मुझे इतना ही समझ में आता है और मुझे बहुत खुशी हुई। और चित्रा गोयल जी, और हम पहली बार स्क्रीन शेयर किए हैं, एक दूसरे का वॉयस शेयर किए हैं। इतना अच्छा गाया, इतना अच्छा परफॉर्म किया और इतनी मेहनत आपने इस गाने पे गाई, इसके सबसे पहले तो आपका थैंक यू। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ इस पूरे जब से ये गाना बन रही, मैं बहुत बड़े स्टार के साथ काम कर रही हूँ। एक तो बिल्कुल ऐसे घर के लोग नहीं होते, बिल्कुल डाउन टू अर्थ और काम को लेके पूरे 100% से भी 1000% देने वाले वैसे हैं ये। मतलब अच्छा नहीं हुआ, अच्छा दोबारा करेंगे, नहीं मैं दोबारा गाऊंगा, नहीं ये लाइन नहीं थी, ये शब्द नहीं थी, अपने काम के प्रति आप बिल्कुल सच्चे हो, वो बात मुझे सबसे अच्छी लगी आपकी। और दो लाइन गा दे, हाय अठरा के बाद लगी दिल में ऐसी आग लगी, देखा सपने में तुझे मैं तो सारी रात जगी, मुझको तेरी प्यास लगी, आजा घर पे तू बस नबी, एक पल भी न लगन लगी रात बड़ी। रेडी शेडी होने में टाइम तो लगे है, वेट कर पाऊंगा ना यार, गाना नहीं है एक्चुअली भोजपुरी वाला हूं ना मैं, तो हिंदी हिंदी थोड़ा सा बाउंस होता है मेरे से। की वेटिंग वेट कर पाऊंगा ना तेरा मैं अब ज्यादा, बस आजा मेरी फंटास्टिक राजा, मैं आई मेरे रोमांटिक राजा, बस आजा मेरी फंटास्टिक राजा, मैं आई मेरे रोमांटिक राजा। थैंक यू ताली तो बनता है ये कौन सा इतना अच्छा दोनों स्टारों ने गाना गाया तो जोरदार तालियां बनती है भाई हमारे।